बड़ा धन्नवादी हाँ भरावां दा, भैणां दा, बजुर्ग भाइयां दा, बजुर्ग भैणां दा और छोटे बच्चों दा, छोटियां बच्चियां दा। बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी सब प्रभु का वचन सुन वास्ते आए हो। और इस करके लिखिया है जिहदे कन हन सो सुने। भाई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है, तो सारा संदेश सारी बाइबल जिहड़ी है इह परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखी गई है। दूसरा तिमोथियस तीसरा अध्याय और 16 आयत बयान कर दी है कि सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है, सिख्या ताड़न सुधारण अते धर्म दे जगाउण लई गुणकार है। तुहाडी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। एक तुहाडी जिम्मेवारी कि तुसी छेती छेती अपने घरां तो तैयार होए और फिर तुसा अपने मोटरसाइकिल फड़े जां तुसी बस फड़ी और जां तुसी किसे भी चीज दे उत्ते आए। ये तुहाडे जतन ने, ये कादे जतन ने, कादे वास्ते खुदा दा जिउंदा वचन सुन वास्ते और फिर तुसी इत्थे पहुंचे हो। और हुण विश्वास करो कि यीशु मसीह साडे विचकार है, असी उहदे चरणां विच बैठे हुए हाँ और वह साडे विचकार है, क्योंकि उसने कहा जिथे दो या तीन मेरे नाम ते इकट्ठे होंगे मैं उन्हां दे दरम्यान होवांगा। दरम्यान कह लो, विचकार कह लो, एक ही गल है। ते हुण साडा विश्वास है कि साडा प्रभु साडे विचकार आया है। हालेलुया। और जदों वचन खुलदा है असीं देखदे हां कि यीशु मसीह दा मुंह खुलदा है, क्योंकि उसने अपने मुंह तो कहा है यूहन्ना दी अंजील 3:13 स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया पर वह जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया अर्थात मनुख दा पुत्र। मैं दसना चाहुंदा कि जिथों साडा प्रभु स्वर्ग तो उतर के थले आया है, थले धरती दे उत्ते मौत है, धरती दे उत्ते दुख ने, धरती दे उत्ते परेशानियां ने और धरती दे उत्ते मुसीबतां ने, धरती दे उत्ते झगड़े अते लड़ाइयां ने, पर हाथ उठाओ स्वर्ग विच इहो जिही कोई चीज नहीं है। तो असी किथे जाके सुख पावांगे भला? हां जी, उत्तर मिल रहा, कुछ थोड़ा जिहा इधर मिल रहा, कुछ इधर मिल रहा। मैं चाहुंदा कि सारे जाने इस गल दा उत्तर दो कि किथे मतलब सानू मतलब आराम चैन सुख शांति सलामती किथे मिलेगी? खुदावंद यीशु मसीह दे घर विच। इत्थे ते कदे अखां रोंदियां ने और कदे साडे दिल टुट जांदे ने परिवारक मसले। और याद रखो पैना पैना दा प्यार, अपने भाइयां दा प्यार जाने के एक परिवारक गल कर रहा। और कदे जो परिवार विच कुछ मुश्किल आउंदी है ते सारे परिवार नू ही इहदा दुख चलना पैंदा है। जिवें शरीर नू किसे भी अंग नू दुख पहुंचे, मान लो तुहाडे पैर नू ही सट लग गई आ ते सारा शरीर की करेगा?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓਗੇ? ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਚ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ ਭਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਯੇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਯੇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਵੇ ਖੁਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਔਰ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਬਰਾਈਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਕੁ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੱਤੀ 1:18 ਹੈ, ਮੱਤੀ 1:18 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਰੀਅਮ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ।
और जब गर्भवती हो गई तादे तो पवित्र आत्मा तो फिर अस देखते हैं कि यूसुफ नो ए सुन के उन्हें मरियम नु ते कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक ही शहर दे सी और मरियम दे बारे भी यूसुफ नु पता सी ते मरियम नु यूसुफ दे बारे भी पता सी। हालेलुया। पर यूसुफ मरियम दे लिए एक ख्याल लेके बैठ गया, मैं चुप कीत्या मरियम नु त्याग दवांगा और मैं उसनु कलंकन प्रगट नहीं करां। याद रखो फिर जो कह के वह सौ गया, जो सौ गया ये कह के ते सुपने में जबराइल आ रहा है और जबराइल यूसुफ नाल गल कर रहा है और जब गल कर रहा है ते की कह रहा है मत्ती दी अंजील पहला अध्याय 20 आयत। जब यूसुफ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी, हाँ जी, प्रभु ने एक दूत ने सुपने विच उन्हूं दर्शन दे के कहा, हाँ जी, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर लौं तो ना डर, हाथ उठा के आखांगे क्योंकि जेड़ा ओदी कुख विच आया है ओ पवित्र है। असल विच ओही आत्मा है जेड़ा स्वर्ग तो उतरिया है ते तालियां मजावांगे मनुख बन गया है। और जब मनुख बन गया और ए दैत हम सी जेड़ा दौद दा शहर सी और यूसुफ अपने अपना नाम लिखवाउण वास्ते दौद दे शहर बैतलहम दे विच गया और जरूरी सी कि वह मरियम नु भी नाल लैके गया, ए जरूरी सी। हालेलुया। जब मरियम जा रही सी और बिल्कुल असि देखते हाँ कि यीशु मसीह का जन्म होन वाला सी लेकिन जेड़ा की उन्हों कहांगे जेड़ा सफर सी वो बड़ा कदे चढ़ाई वाला सी कदे लहाई वाला सी और मरियम एक गधे दे उत्ते सवार सी और यूसुफ उसनु हौली हौली लैके जा रहा सी। हालेलुया। ता जो यीशु मनुख बन जावे और वो मनुख बन जावे उदा नाम की रखा जाए यीशु, क्योंकि जबराइल ने भी कहा कि पुत्र नु जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्यों जो ओ अपने लोगों नु उना दे पापा तो बचावेगा। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। ए मनुख है और लिखा जीना यीशु मसीह साडे विच सिउंदा रहा। हालेलुया। मरण तो पहला उन्हें मुर्दिया नु जिउंदे कर दिता, मरण तो पहला उन्हें अन्या दियां अखां नु खोल दिता, मरण तो पहले उन्हें लंगड़े चला दिते, मरण तो पहला उन्हें बोलियां दे कान खोल दिते, मरण तो पहला उन्हें गूंगियां दी जबान खोल दिती। ओ धरती दे उत्ते सी लेकिन ओदी ओनो मरना की दे पै गया, अपने आप लिए नहीं
मेरे बच्चों दोनों हाथ उठा के आखो मेरे लिए मरिया है, ओ मेरे लिए सलीब दे उत्ते चढ़िया है, ओ इस करके जमीन दे उत्ते आया, ओ जिन्ना चिर जमीन दे उत्ते जिउंदा सी उन्हें बहुत अजीब अनोखे काम इस धरती दे उत्ते कीते। और मैनू भी बच्चो समा मिलिया कि मैं भी उस बैतल हम दे विच जावां और मैं उत्ते ओ चरनी वेख के आवां, जगह वेख के आवां जिथे मरियम ते यूसुफ नू जगह ही नहीं सी मिलदी, जगह नहीं सी मिलदी। मेरे तुहाडे जन्म दे उत्ते कंबरा और दाई जां फिर मतलब नर्स जां फिर डॉक्टर साडे लई बड़ियां सहूलतां, लेकिन यीशु दे जन्म दे उत्ते हाथ उठाओ कोई सहूलत नहीं सी। ओ हलीम बन के आया सी, ओ हलीम बन के आया सी और ओ नम्र बन के आया सी और मैनू ते तुहानू बचाउण दे लई आया सी। खुदाबंद बड़ी बरकत दवे। तो असी वेखते हाँ लिखत कहिंदी है जीना ते मरना, हे यीशु मसीह मरिया है और जद यीशु मसीह नू मरन दी लोड़ नहीं होते, खुदा है हालेलुया, उन्हों लोड़ नहीं सी, पर जे ओ सलीब ते ना चढ़दा ते मेरे ते तुहाडे लई पाप लहू किसी भी शरीर विच है नहीं सी, जेड़ा पाप लहू साडे गुनाहां नू धो देंदा, गुनाहां नू धो देण वाला लहू, पाप साफ कर देण वाला लहू यीशु दे शरीर विच सीगा। और जब ए यीशु दे शरीर विच सी क्योंकि ओ चलदा फिरदा भी रोगियां नू चंगा कर रहा सी, अज भी हालेलुया, अज भी जदों कदे तुसी यीशु दे लहू नू पुकारोगे, जदों कदे शैतान तुहाडे सामने खलोता होवे और रात के सुपने में तुहानू तंग करदा होवे, तुहानू परेशान करदा होवे, ते फिर की होवेगा जदों तुसी यीशु दा की करोगे। धन्नवाद जिन्हां ने ठां मूह कीता, मैनू बड़ा शक पैंदा जी, कृपा करके वचन सुन आए जे ते इस पुलपट वल वेखो जिथों तुहाडे लई संदेश चल रहा है, और जदों तुसीं ठां नूं मूंह कर लिया मैनूं शक पैणा क्योंकि मैं ते एक अनपढ़ मनुख तुहानूं वचन सुनाउण दे लई इत्थे आउंदा हां। हालेलुया। और वचन कहिंदा जिहदे कन्न हन सो सुणे, भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। ए आत्मा ए कुछ सानू कहिंदा है, ए लिखत भी है ए आत्मा भी है। और याद रखो लिखत नूं कौन लिख सकदा है, यीशु दा आत्मा ही लिख सकदा है। इहदियां लिखतां ने जिहड़ियां असीं पढ़ के सुणाउंदे हां और सुणदे हां और सिखदे हां और प्रभु दा की करदे हां, धन्नवाद करदे। मेरे आदमी जो असीं प्रभु दे वचन दे विच्चों पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 27 अध्याय और उसकी असी 45 आयत तो पढ़ना शुरू करांगे, 51 तक जावांगे। मत्ती 27:45 तो 51 तक जावांगे। दोपहर को लेके
क्योंकि यीशु सलीब ते हाथ उठावांगे नेरा क्यों रहा क्योंकि मेरा ते तुहाडा मुक्ति दाता सलीब दे उत्ते सी और मेरे ते तुहाडे पापां दी और सजा चुक रहा सी पापी असी सा मरना असी सी सजा सानू मिलनी सी पर उन्हें साडे गाम चुक लै उस वेले यीशु सलीब दे उत्ते सी फिर पढ़ांगे तीए को पैर यीशु ने फिर उच्ची आवाज नाल पुकारिया एली एली लमा सबकतानी जी दा अर्थ है हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तू मैनू क्यों छड़ दिता एक ही है ये शरीर है और असी देखते हैं आवाज की दी है आवाज आत्मा दी है और उसने क्या तू मैनू क्यों छड़ दिता और असी देखते हैं कि जब आत्मा उसदे विचों जा रहा सी और शरीर खूनो खून होया होया हथां दे विच खून वग रहा सी सिर चो खून वग रहा सी पैरां चो खून वग रहा सी क्योंकि पैरां ते हथां विच किल ठोक दिते गए सन और याद रखो सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज पा दिता गया सी सब तो वध खून तुहाडे किहड़े अंग च रहिंदा है हाँ जी सिर विच सब तो वध खून रहिंदा है क्योंकि साडे सिर ने इत्थों पिछों नाड़ां जिहड़ियां ने ओह थल्ले तुहाडे पैरां तक जांदियां ने और एक बारी मैनूं एक भाई ने कहा तुसीं लैबोरेटरी देखनी चाहुंदे हो लुधियाना CMC दी गल है मैं क्या भी मैनू विखा दो कोई गल नहीं बहुत अच्छा है एक प्रचारक लिए सब कुछ वेखना जिहड़ा है वह बहुत अच्छा है तो प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे मैं बहुत कुछ वेख्या जदों एक सिर विखाया गया तो मैं उत्थे खलो गया और अद्धा सिर जिहड़ा है यह तुहाडियां सोचां सोच सकता है इथों इथों गां नूं सोचां सोच सकता है इथों पछां नूं की करदा है काम करना शुरू कर दिंदा है जो कुछ तुसी सोचदे हो काम करदे हो कि नहीं पहलां ते सोचदे हो अगला हिस्सा है और फिर की करदे हो काम करदे हो ये पिछे नसा नाड़ियां ने जिहड़ियां तुहाडे टौन दे विचों दी लंघ के गिच्ची तो थले आ के पैरां दे अंगूठियां उंगलां तक पंप हुंदा है खून चलदा रहिंदा है चलदा रहिंदा है तुसी कुछ ना फिक्र करो ये काम यीशु दा है जिहड़ा तुहाडे विच खून नूं चलाउंदा है और दिल जिहड़ा है वह मतलब पंप करदा है और ये पंप जिहड़ा क्योंकि सब तो वड्डी नस जिहड़ी है इधरों दी इधर नूं हुंदी है और इधर जिधर पंप हुंदा है ते तुहाडे सारे बदन विच खून जांदा है हालेलुया जदों कदे तुहानूं टैंपरेचर होवे बुखार होवे ते फिर की हो जांदा फिर ये नस जिहड़ी आ तुहाडे मतलब इस गुट दी नस है वो तेज चलना शुरू हो जाती है डॉक्टर नूं पता लग जांदा और वो थर्मामीटर भी ला देंदा और हाथ भी फड़दा है और फिर दस देंदा कि तुहानूं इन्ना बुखार बुखार कहदे लई टैंपरेचर मतलब थोड़ा जा हाई हो गया हालेलुया और प्रभु तुहानूं संभाल के रखे मैं डॉक्टर नहीं गा
मैं डॉक्टर नहीं गा, पर मैं दसना चाहता कि यह पिछला हिस्सा जिहड़ा है यह सानू लैके चलता है। साडियां नसां नाड़ियां किधरों दी जांदियां ने, इत्थे पिछे एक संगली है और एक तिकोनी है और इहदे विचों दी नसां नाड़ियां निकल के साडे चूलियां तक आउंदियां ने और थले जाके पैरां तक जांदियां ने और मनुख जूंदा रहिंदा। हालेलुया, मनुख जूंदा। हुण असीं की देख सकते हां? असीं यीशु दे सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज वेखदे हां। ओ कंडे अंदर खुब गए हुए ने और खून वग रहा है, उसकी दाढ़ी खून दे नाल भिजी हुई, हाथ जेड़े ने ओ इस तरह कर दिते हुए ने, उन्हां विच किल ठोक दिते हुए ने, और याद रखो हाथां चो भी खून वग रहा, पैरां विचो भी की वग रहा, खून वग रहा है। पढ़ांगे तीए पैर, तीए पैर। हाँ जी, हाँ जी। अते किन्ने उन्हां विचों जिहड़े उत्थे खड़े सन, हाँ जी, सुन के बोले, एलिया नूं आवाज मारदा है, उन्हां विचों एक ने ढोक के पंज लिया अते सिरके नाल भेरिया, हाँ जी, कांधे उत्ते बन्ह के उन्हूं चुकाया। दावन बहुत वड्डी बरकत दवे, जान जान वाली से की दे ले, अपनी छाती ते हाथ रखो, तुहाडे लई, उन्हें अपने लई नहीं तुहाडे लई, ये जान तुहाडे लई जा रही सी। हालेलुया। कई बारी असीं बड़े सियाने बन बैंदे हां और असीं वचन दी परवाह ताकर नहीं करदे, और जे सियाने बनना है तो फिर तुहानू सियाने बाइबल ही मतलब का बना सकते हो, और जो इस इन्हां लिखतां ते विश्वास करोगे उदो तुहाडे जीवन ते दया हो जाएगी। पर जे तुसी लिखतां नूं ही कबूल नहीं किया अज तक जिंदगी विच ते स्वर्ग विच जाण दी आस ना रखो, क्योंकि जो तुसा प्रभु नाल चल रहे मतलब चलना ही नहीं गा जा चले ही नहीं गे तो फिर तुसी स्वर्ग दी आस ना रखो। कृपा करके ना विच विच बंदे भी बेही जांदे, विच गल्लां नहीं करनियां किसी ने, हालेलुया। असी परिवार नाल गल्लां नहीं करना, इत्थे हाथ उठाओ असी वचन सुनन वास्ते। सो लिखत कहिंदी आ कि जिहदे कान ने सुनो, पर कान ते इधर लगदे ने ते अखां जिहड़ियां ने ना ओ तुहानूं धोखा दे जांदियां, क्योंकि तुसी कदे इधर न्याणे नूं वेखना शुरू करदे हो कदे इधर नूं वेखना, और इसे करके न्याणे तुहाडे नाल गिज जांदे ने और तुसी उन्हां नूं घर समझा के लेके आया करो, बेटा उत्थे घूमना नहीं गा। हालेलुया, उत्थे असी वचन सुनना है। प्रभु तेर सारी बरकत दवे। हुण असी देखदे हां कि यीशु ने अपनी जान चिला के दे दित्ती। पढ़ांगे 50:51। यीशु ने फिर उच्ची आवाज नाल पकार के जान दे दित्ती, वेखो हैकल दा पर्दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के दो हो गया, धरती कंबी, अते पत्थर तिड़क गए, अते कबरां खुल गईयां। आमीन। ये भी कदे मरे सी, ये पुराने नेम दे संत ने, ये नबी ने, ये भी कदे मरे सी, और याद रखो फिर जदों मरे सी ते इन्हां ने किधर जी उठना सी,
जो यीशु ने इन्हां लई मरना सीगा। हालेलुया, ओ जिउंदिआं लई भी ओदी कुर्बानी है ते मोया होया लई भी जेड़े पुराने नेम दे विच संत सन उन्हां दीआं कबरां खुल गईआं। यीशु ने जो चिल्ला के अपनी जान दे दित्ती और हैकल दा पर्दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के दो हो गया, धरती कंबी, पत्थर तिड़क गए अते सुते हुए संतां दीआं तालियां बजावांगे, कबरां खुल गईआं। जदों कबरां खुल गईआं प्रभु तुहानू कृपा दवे, ओह अजे कबरां विच ही सन। यीशु जान दे के भी किथे सीगा, अजे कबर विच सीगा। हालेलुया, पर यीशु दे जी उठन दे पिछो पढ़ांगे, यीशु दे जी उठन दे पिछो कबरां विचों निकल के पवित्र शहर दे अंदर चले गए ते हाथ उठावांगे बहुतां नूं की दित्ते। ये पवित्र शहर यरूशलम दे अंदर चले गए, यीशु ने उन्हां नूं जान दित्ता और उसने कहा तुसी जाओ और मैनू 40 दिन अपने शागिर्दा चेलियां दे नाल रहना है क्योंकि मैं उन्हां नूं तोरना है कि और यरूशलम तो लैके सारी धरती दे कंढियां तक मेरा संदेश लैके जान, इसलिए मैं उन्हां नूं तोरना है। हालेलुया, इस करके मेरे अजीजो बड़ी बारी यीशु मसीह उन्हां नूं मिलिया। एक दिन जदों मिलिया ते उदों 11 जाने 10 जाने उत्थे अंदर सन ते यीशु बंद दरवाजा दे विचों दी लंघ गया और चेलियां नूं विखाई दित्ता और चेलियां दे नाल ओ बैठा उन्हां दे नाल गल्लां कीतियां और फिर यीशु चले गया और फिर चेलियां ने थोमा नूं कहा यीशु जी उठिया कि अज साडे कमरे विच आया होया सी। ओ कहिंदा मैं नहीं विश्वास करदा, मैं विश्वास नहीं करदा जिन्ना चिर मैं ओदे हत्थां दे छेकां विच उंगलियां ना पा लवां और जिन्ना चिर ओदी मतलब वखी जिहदे विच वर्षा मारिया गया सी जिन्ना चिर मैं ओदे विच हाथ नहीं वाड़दा उन्ना चिर मैं विश्वास नहीं करदा। यीशु आया, फिर आया थोमा दे हुंदिया, फिर आया और उन्हें आके थोमा नूं कहा थोमा इधर आ अपनी उंगली लिया और मेरे हत्थां दे छेकां विच वाड़ और अपना हाथ उरे कर मेरी वखी दे विच वाड़ और बेपरतीता ना हो। तू ते ए वेख के क्या है, मुबारक जिन्ना ने बिना वेख्या विश्वास कीता, जिन्ना ने बिना वेख्या विश्वास कीता होया कि यीशु मसीह मेरा मुक्ति दाता है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। भैणो ते भाईओ, तुहानू पता है तुहाडे बहुमुल्ले बच्चे कदे कदे बेचारे तुहाडे को इधर उधर हुंदे ने और फिर अपनी मावां दे लागे चले जांदे ने और ओह तुहानू डिस्टर्ब नहीं करदे। हालेलुया, ये बड़ी वड्डी कृपा है, ये बहुत वड्डी दया है। तो असी वेखदे हां कि हुण यीशु मुरदिआं विचों जी उठिआ होया है और पतरस कहिंदा आओ चलिए मैं चलिया मच्छियां फड़न। इहदा मतलब भी पतरस दे दिल च आ भी कम्म मुक गया है,
तालियां बजाओ, काम तो शुरू होया है, काम मुकिया नहीं, काम शुरू हो गया। और जो सारी रात उन्होंने की कीता, झील विच जाल सुट दे रहे, बड़े जाल सुटे उन्होंने, कुछ नहीं फड़िया गया। और यीशु तिबरियास दी झील दे उत्ते खलोता सी। तिबरियास दो ने, एक तिबरियास सिटी आ, एक तिबरियास पत्तन आ जिधर बेड़ियां लगदियां ने, ये माछियां दियां बेड़ियां ने, मच्छी फड़न वालियां दियां बेड़ियां ने। और मेरा जी जो यीशु कित्थे खलोता सी, जिधर मच्छियां फड़न वालियां बेड़ियां लगदियां ने। और उन्हें कंडे ते खलो के क्या जवानों को जो तुसा फड़िया है, और वो कहते नहीं प्रभु असा कुछ नहीं फड़ा, सारी रात असी इस ठाठा मार दी झील विच मच्छियां दी भाल करते रहे पर कुछ नहीं मिलिया। उन्हें क्या फिर सज्जे हाथ पा दियो, फिर सज्जे हाथ जाल पा दियो। और जो सज्जे हाथ जाल पाया ते बहुत मच्छियां नाल जाल भर गया, मोटियां मच्छियां 153 मच्छियां सन, और जाल टुटा नहीं गा। और जेड़ा चेला यीशु नूं प्यार करदा सी इहदा की नाम है, ए जहूना, निरा नहीं कहना क्योंकि दो जहूना ने। ए केड़ा जहूना है, ना डरो, ए जहूना प्रकाश दी पोथी लिखण वाला है। दूसरा जहूना केड़ा है, ओ बपतिस्मा देण वाला है। इस करके इस जहूना ने जेड़ा यीशु दी गोद विच वड़ के सब चेलियां तो छोटा ओदे नाल ढास ना ला लैंदा हुंदा सी। हालेलुया। और यीशु नूं बहुत प्यार करदा सी। उन्हें क्या पतरस नूं क्या यीशु है, कहिंदा अच्छा। और उसने अपने लक चादर बदी और दो सौ हाथ फुट दी वित दे उत्ते सी। और क्योंकि यीशु भी पतरस मतलब पतरस भी यीशु नूं बेहद प्यार करदा, इहदा प्यार कदे वेखना होवे ते फिर तुसी जहोना 17 नूं वेखियो, और फिर कदे होर वेखना होवे ते फिर यीशु ने कहा पतरस तू मैनूं प्यार करदा है, उन्हें कहा हां जी मैं तुहानूं प्यार करदा हां, ते फिर मेरियां भेड़ां नूं चार। और फिर उसने पूछा पतरस तू मैनूं प्यार करदा है, उन्हें कहा हां प्रभु मैं तैनूं प्यार करदा हां, तो उन्हें कहा फिर मेरे लेले चार। लेलियां ते भेड़ां च की फर्क, भेड़ां जिहड़ियां ने ओ लेलियां नूं जन्म दिंदियां ने, उन्हां दिनां विच लेले कुरबानी वास्ते चले जांदे सी। लेले किथे जांदे सी, जिन्हां लई यीशु ने पतरस नूं कहा पतरस तू मैनूं प्यार करदा है, उन्हें कहा हां प्रभु तू जानदा ही हां कि मैं तैनूं प्यार करदा हां। और उसने कहा फिर मेरे लेले चार, किहड़े लेले, ओ भरा जिन्हां ने कुर्बान हो जाना सी यीशु दी खातर। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजो प्रभु यीशु मसीह ने क्या होया, जे तू मरन तोड़ी की रवे वफादार रवे ता मैं तेनों जिंदगी दा ताज दे दवांगे। अज गल ते वफादारी दी है, गल कादी है भला, मैं किन्ना वफादार हां, ते मैं ना तियां बेटियां बीबियां नूं कहना तुसी भी वेखो भी तुसी किन्ने प्रभु नाल वफा दार च। खैर कोई शक नहीं, तुहाडे आउण तों, तुहाडे बैठण तों, और तुहाडे चुप करके सुन तों कोई मतलब शक नहीं गा। बस एक गल है कि तुसी प्रभु नूं की करदे हो, तालियां वजाओ, प्यार करदे हो।
और जे तुसी कदे प्रभु नूं प्यार ना कीता हुंदा ते फिर कदे इस तरह हो नहीं सी सकदा। प्रभु दया करे, थोड़ा जा अगे वध रहे हां। यीशु मुरदियां चो जी उठा, हालेलुया। जीना मरना ते जी उठना, किन्ने नंबर हो गए ने? पहला नंबर है जीना, दूसरा नंबर है मरना, तीसरा नंबर केड़ा है? फिर जी उठना, हालेलुया। ते चौथा नंबर केड़ा है? फिर आना। इस करके इस संदेश ने जेड़ा साडे युग दे नबी ने दिता है, इस संदेश है। और इस नू प्यार करो क्योंकि वो तुहानू प्यार करदा है। और जो तुहानू प्यार करदा है और तुहाडे घरां विच आ जांदा है, तुहाडे परिवारां नू प्यार दे बंधन विच बांध देंदा है, बच्चे वफादार हो जांदे ने, पति और पत्नी प्रभु दे लेकी हो जांदे ने, हाथ ठा के आखो वफादार हो जांदे। फिर जदे ओ मिलके दुआ करदे ने ते फिर तुहाडे निक्के निक्के बच्चे भी तुहाडे नाल दुआ करदे ने, और फिर वो भी निक्के निक्के गोडे टेक के तुहाडे नाल बह जांदे ने। उन्हां नूं अजे समझ ते नहीं हुंदी पर वो अखां बंद करके मां प्यो नूं वेंदे ने ते वो भी तुहाडे नाल की करदे ने, हाथ उठा के आखो दुआ कर। ए है घराणा बचाया जांदा, और घराणे नूं बचाउण दा मुढ जिहड़ा है वो है परमेश्वर दा वचन सुनना, उस नूं मनना और परमेश्वर दे वचन दे नाल चलना। और जदों इस तरह होवेगा, इस तरह तुहाडे घर विच बरकत होवेगी। शाम दी रोटी खान तो जां पहलां दुआ कर लो जां फिर मगरों कर लो, ये तुहाडी इच्छा है, लेकिन बच्चा नूं जरूर दुआ दे विच बिठाओ। हालेलुया। भावें अज बच्चे ने पर कल नूं तुहानूं बरकत मिलेगी। अज भावें तुसी उन्हां नूं कईआं बच्चां नूं गोदी च पा के लैके आउंदे हो, कईआं नूं उंगली ला के लैके आउंदे हो, और ए तुहाडियां मेहनतां कदे बेफल नहीं होणगीआं। तालियां वजाओ, इहो ही वफादारी है, इहो ही वफादारी है कि असीं प्रभु दे नाल बचाए जा सकांगे। प्रभु बड़ी बरकत दवे। तो हुण प्रभु यीशु मसीह जी उठिया है, अब पढ़ांगे रसूलां दे करतब 1:3-4। रसूलां दे करतब 1:3-4 पढ़ांगे जी। रसूलां दे करतब पहला अध्याय। उसने अपने दुख भोगन दे मगरों आप नूं उन्हां उत्ते बहुतियां प्रमाणा नाल ज्यों दा प्रगट कीता। पढ़ांगे ओह 40 दिनां तक उन्हां नूं की देंदा रहा, दर्शन देंदा रहा अते परमेश्वर दे राज दियां गल्लां करदा रहा। परमेश्वर दा एक राज है, अजे शुरू नहीं होया होण वाला है। कि तुसी परमेश्वर दे राज दा एक गीत गाउणा चाहुंदे हो? ठीक है। याद यहोवा दी सब करनगे, कंदे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रे जो लामन गे, अगे पाक खुदा बंद दे।
सारिया तो मां चुक चुक दर दर देखन दिया ओसे सारिया तो मां चुक चुक दर देखन दिया ओसे जो चोरा है ओ क्यों जो राजा है आत्म है ओ का ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਮਾ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਯੇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨੀਗਾ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਔਰ ਪਾਲਸ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਔਰ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਚਾਰ ਅਧਿਆਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨੇਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਹੋ ਗਈ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ
यीशु दा प्रमाण दे के मोया चो जी उठन दा की देंदे ने उपदेश देंदे ने सबूत देंदे ने। इन्हां ने सबूत ते बड़ा मिटाउण दा कोशिश कीती। आओ जरा देखिए मत्ती दियां जी ये सबूत मिटाउणा चाहुंदे ने, ये चाहुंदे ने भी सबूत ना रह जाए। और याद रखो कातिल दा सबूत जेड़ा ओ मिट नहीं सकदा। और इन्होंने कोशिश की सबूत मिटा दईए पर सबूत कदे मिट नहीं सकदा। पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसका 27 अध्याय और 62-64 नूं पढ़ांगे। अगले परख दा जेड़ा तैयारी दे दिन तो पिछो सी प्रधान याजक अते फरीसी इकट्ठे होके पिलातुस दे कोल आए जी उठन दा सबूत मिटाउण वास्ते पढ़ांगे। सानू याद है ओ छलिया हां जी मैं तिना दिना दे पिछों देखो उन्हां दी भाषा की है। यीशु नूं कदे भूतां दा सरदार कह जांदे सन, कदे बालजबूल कह जांदे सन, हुण की कह दिता है हुण छलिया कह दिता है। याद रखो अज लोकां कोल खड़े होण लई कुछ भी नहीं गा। जे तुसी कदे खड़े होना यीशु नाल ते ए वचन है, एदे नाल खड़े हो दो तुसी यीशु नाल खड़े होवोगे। आओ वेखिए सबूत मिटाउण दे ने ए नहीं मिटना। हालेलुया। ते क्योंकि फ्रेश न्यूज है ए दुनिया दे एक ताजी खबर है। तालियां बजा के आखांगे यीशु मुर्दियां विचों जी उठा है, फ्रेश न्यूज है और इनू कदे मिटाया जा नहीं सकता। पढ़ांगे हां जी हुक्म कर दो तीए दिन कबर दी की हो जाए राखी हो जाए। पढ़ांगे किते ओदे चेले आके ओनू चरा के ना लै जान, लोकां नूं ना आखन लोकां नूं ए ना खबर दो पी ओह मुरदिआं विचों जी उठिआ है। याद रखो अज बड़िआं दे मूंह बंद ने और होर गल्लां करनगे पर यीशु दे मुरदिआं चों जी उठण दी गल कर नहीं सकदे। ए पहली कलीसिया दी तगड़ी गवाही सी कि यीशु मुरदिआं विचों हत्थ उठावांगे। लाजर मुरदिआं विचों, जैरस दी बेटी मुरदिआं विचों उठी। अज ए वचन तो लोग चुप हो गए ना, दसना नहीं चाहते, होर गल्लां करनिया चाहते, गीत बड़े गाना चाहते और गीत गा देने चाहिए ने पर वचन नाल भी खड़े हो जाना चाहिए। पढ़ांगे सबूत अजे मिटिया नहीं गा। पढ़ांगे हां जी क्योंकि जे तुसा पैरा ना लाया ते जे ओदे चेले आ गए और ओ कब्र विचों कढ के लै गए ते पहली भुल हां जी पढ़ो पिछली भुल पहली नालों बहुत बुरी होवेगी। किन्नी राखी करन दे लई किन्ने उत्थे जवान पैरे दे उत्ते ला दिते गए होणगे। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
पर यीशु दे शब्द कदे बदल नहीं सकते। बच्चों मैं जरूर मत्ती 28 और उसकी 11-12 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪੈਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਉਠਾਓ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਲੈ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੇਸੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਅੱਜ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੇਸ਼ੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 9-10-11। ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, 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 ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯੇਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਕੀ ਯੇਸੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੇਸੂ ਦੁਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੇਸੂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਾ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੇਸ਼ੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯੇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ 17 ਆਇਤ ਦੀ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ 17:16-18:3 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਅਥੈਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਬਕਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੇਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਥੇਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯੇਸ਼ੂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 19:7 ਦੁਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੋ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਦੁਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ।
हालेलुया। इहदा संदेश लाड़ी नू है क्योंकि दूल्हा आएगा और जब आएगा तो लाड़ी इस संदेश नाल तैयार हो जाएगी। इन्हां दिनां दे अंदर अपने आप नू तैयार करो, तुसी बड़े मुबारक प्राओ, बड़िया मुबारक पैणा हो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। आओ असी अज दे संदेश दे लई हथ उठा के दुआ करांगे। प्रभु तू मैनू अज दा संदेश दिता है, मेरे जीवन ते तू दया कर दिती है, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे, असी सब दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई ऐसा मोह ना रवे जरा दुआ ना करे। असी दुआ यीशु लई करनी है, दुले लई करनी है, और दुल्हन दुले नू पकारे ते ताई दुला आवेगा, सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदा यीशु मसीहा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होवे, प्रभु यीशु मसीहा तेरी बहुत वड्डी कृपा होवे, प्यारे खुदावन तेरा बहुत वड्डा फदल होवे, प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे खुदावन यीशु मसीहा तेरा धन्यवाद होवे, प्रभु यीशु मसीहा बड़ी कृपा कर दे, प्यारे खुदावन बड़ा फजल दे, प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया तेरा शुक्र होवे, धन्यवाद होवे, प्रभु यीशु मसीहा बहुत वड्डी कृपा दे। प्रभु अज तेरे बच्चे अज दा संदेश लैके घरां नूं जाण, प्यारे खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीहा तेरे धन्यवादी होण, प्यारे खुदावन खुदा तू बहुत वड्डी कृपा कर दे, शुक्र होवे धन्यवाद होवे, प्रभु यीशु मसीह दया कर दे, प्यारे खुदावन बड़ा फजल दे, प्रभु यीशु मसीहा तेरा शुक्र होवे धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मांगदे हां।